गाइस दिस इज़ विकास यासर एंड यू आर वॉचिंग अल्फा ग्राफिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कैरियर से होंगे और फ्रीलांसिंग की क्लासेस को और guru.com की सीरीज़ को, जो कि हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियो से स्टार्ट की हुई है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे बल्कि आप लोग इन चीज़ों से बहुत कुछ हासिल भी कर चुके होंगे और बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पेमेंट मेथड के बारे में सीखेंगे कि guru.com के ऊपर किस तरीके से पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किया जाता है और ये पेमेंट मेथड क्यों ऐड किया जाता है, इसकी भी तमाम तफसील आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। पेमेंट मेथड बेसिकली इसलिए guru.com के ऊपर ऐड किया जाता है ताकि जब भी आपकी मेंबरशिप जो है वो अपग्रेड होनी हो या आपकी पेमेंट जो है वो क्लाइंट से, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को हासिल करते हैं और उसको कंप्लीट करके आप सबमिट करते हैं, तो आप उसके एवज जो है वो कुछ डॉलर जो है वो आपको मिलते हैं। तो वो आप पैसे किस तरीके से जो है वो अपने इस पेमेंट मेथड में जो है वो ऐड करते हैं, इसलिए जो है वो पेमेंट मेथड की वेरिफिकेशन और पेमेंट मेथड का ऐड करना बहुत ज़रूरी है guru.com के ऊपर। तो किस तरीके से guru.com के ऊपर पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किया जाता है और कौन कौन से पेमेंट मेथड होते हैं, आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर guru.com आपको 3-4 जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें से आपका बैंक अकाउंट होता है। आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, आप यहाँ पे अपना IBN नंबर इंसर्ट करते हैं, इसी तरह से IBM नंबर और बैंक अकाउंट और आपकी ब्रांच का जो है वो कोड यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने, अगर आपके पास पेनियर का अकाउंट बना हुआ है, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और आप अपनी पेमेंट जो है वो पेनियर अकाउंट के ज़रिए से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट मेथड का है, आप इस तरीके से भी अपनी पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट और अहम जो है वो पेमेंट मेथड हैं जो कि guru.com आपको प्रोवाइड करता है, जिनके ज़रिए से आपकी मेंबरशिप भी अपग्रेड होती है और आपकी पेमेंट भी ट्रांसफ़र होती है आपके मतलब लोकल बैंक में या आपके किसी भी अकाउंट में। आप लोग इस पेमेंट मेथड के ज़रिए से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं घबराने की। या कुछ लोग सोचते हैं इन चीज़ों को ऑनलाइन मार्केट में, खासकर बैंक अकाउंट को या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करते हुए, तो यहाँ पर इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं कि आपके अकाउंट से बिना पूछे आपसे पैसे निकाले जाएंगे। इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो बिला डर और बिला खतरे के आप लोग यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट और पेमेंट मेथड को ऐड करें। और किस तरीके से पेमेंट मेथड को ऐड किया जाता है और क्यों जो है वो ये ज़रूरी है, इसकी तमाम तफसील आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किया जाता है guru.com के ऊपर और ये किस तरीके से अहमियत का बायस रखती है। आज की वीडियो में हम लोग पेमेंट मेथड किस तरीके से ऐड किया जाता है guru.com के ऊपर उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप लोग guru.com के मेन जो है वो इंटरफेस पे आ गए, डैशबोर्ड पे आ गए। आप लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 जो है वो हमारे पास टैब नज़र आ रहे हैं। डैशबोर्ड लिखा है, फाइंड वर्क लिखा है, जॉब्स लिखा है और पेमेंट लिखा हुआ है। तो मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ पेमेंट्स ली हुई हैं अपने क्लाइंट से, उसके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र मेथड और उसके आगे कैश अकाउंट लिखा हुआ है और ये बाकी टैक्स का फॉर्म है एक और ट्रांजिशन रिपोर्ट है। तो मैं ट्रांसफ़र मेथड पे क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली उस वक्त के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जब आप लोग पैसे यहाँ पर कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, तो आपको किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप पेनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये ग्रीन एक जो है वो ब्लू जो है वो स्काई ब्लू जो है वो रिबन जो है नज़र आ रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड ट्रांसफ़र मेथड। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर ये देखें हमें कुछ ऑप्शन नीचे बता रहा है ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, ऐड वायर ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ऐड पेनियर लिखा हुआ है, ऐड क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है। ये चारों मेथड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पेमेंट जो है वो पेनियर के थ्रू जो है वो
विड्रॉ करूँ, तो आप यहाँ पे पेनियर पे क्लिक कर देंगे। अगर आप फर्ज करते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो लोकल बैंक है उसके अंदर पैसे जो है फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने ये एक जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है कि अकाउंट टाइप लिखा हुआ है। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे नीचे सेविंग अकाउंट है, कॉर्पोरेट है, या दूसरी ऑप्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं। अकाउंट होल्डर नेम है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर अगर आपका क्या नाम है आप वो लिखेंगे, और रूटिंग नंबर लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे आप, फिर आप दोबारा से अकाउंट नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपने बैंक की मोस्ट रिसेंट जो है वो कॉपी यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट की जगह पे क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये उस सूरत में है कि अगर आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड के अंदर ही जाते हैं तो ये लिखा हुआ है ऐड पेनियर। जैसे यहाँ पे मैं पेनियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपने अकाउंट का नाम देना होगा और नीचे ईमेल देना होगा जो पेनियर के अकाउंट के ऊपर मैंने साइन अप करते हुए लिखा था। ये तमाम तफसील आप यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे ये देखिए कंट्री लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे कंट्री अपनी लिखेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो आपका पेमेंट मेथड जो है वो ऐड हो जाएगा। इस पेमेंट मेथड के ज़रिए से आप अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं payagru.com से अपने लोकल बैंक अकाउंट में या पेनियर अकाउंट में। पेनियर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं मैं इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आपको पेनियर का अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेनियर का अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैं यहां पर अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मैंने यहां पर ऑलरेडी अपना बैंक अकाउंट यहां पर ऐड किया हुआ है, और यहां पर मैंने पेनियर का अकाउंट भी ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो guru.com के ऊपर ऐड करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका अकाउंट जो है वो पेमेंट मेथड ऐड नहीं है तो आप पैसे यहाँ से guru.com से अपने पास ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको जस्ट यही बताना था कि किस तरीके से पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किए जाते हैं, और ये कितना अहम है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए guru.com से आपके अपने लोकली बैंक में या आपके पेनियर अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।